हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आज मेरे चैनल पे न्यू है तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू गाड़ी RS, और ये जो गाड़ी है फॉर सेल है। ये 2022 मॉडल है होंडा RS टर्बो और इस्लामाबाद की रजिस्टर्ड है। और बात करें इसके नंबर की तो स्पेशल पैसे पे करके नंबर लगवाया गया है। गाड़ी बम्पर टू बम्पर जेन्युइन कंडीशन में है। फ्रंट पे आप देख सकते हैं एक स्क्रैच का निशान भी नहीं है, मिंट कंडीशन में। अगर आप इसकी बात करें टायर्स की तो इसके अंदर न्यू टायर इंस्टॉल किए गए योकोहामा DP के, इसके अंदर टायर इंस्टॉल किए गए। और साइड प्रोफाइल की बात की जाए, साइड प्रोफाइल में भी आपको कोई एक भी डॉट का निशान नज़र नहीं आएगा कि गाड़ी कहीं से भी आपको डॉट के निशान 1% नज़र नहीं आएगा गाड़ी के। अब ये साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं। अगर आप रियर प्रोफाइल पर जाएंगे गाड़ी की तो बिल्कुल मिंट कंडीशन में है। टर्बो RS 2022 मॉडल है। और अगर बात की जाए इसकी इंटीरियर की तो इंटीरियर में आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको बैक इसकी चेक करवाता हूँ। बैक में आप देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल साफ कंडीशन में। रियर पे इसके AC के वेंट्स भी आते हैं। RS टर्बो है तो ये ब्लैक लेदर पैकेज के साथ गाड़ी आती है। और मैं इसका इंटीरियर आपको चेक करवाता हूँ। फ्रंट पे देखें ये तो स्मार्ट एंट्री की गाड़ी आती है। तो आप ये देख सकते हैं डोर इसके देख सकते हैं, सारे साफ कंडीशन में डोर हैं इसके। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप इसकी बात करें इंटीरियर में तो इंटीरियर में आपको देखेंगे तो ये इसका 5,000 किलोमीटर ड्राइव अभी होनी है। और गाड़ी के स्टेयरिंग में एक बैग इधर होता है, 2 एयर बैग टोटल हैं और एक लेफ्ट साइड पैसेंजर साइड भी होता है। और मल्टीमीडिया स्टेयरिंग इसके अंदर आता है और पैडल शिफ्टर आते हैं, सेंसिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल सिस्टम, अडोप्टिव क्रूज, और इसके अंदर काफ़ी फीचर जो दिए गए हैं न्यू RS टर्बो में। और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी आपको एमगी लाइट्स नज़र आएगी डोर्स में, फ्रंट डोर्स में, और एमगी लाइट एक फुट में भी दी गई है जो रात को शो होती है। और इसका जो AC सिस्टम है वो डुअल क्लाइमेट कंट्रोल AC आता है, न्यू जनरेशन है इसलिए। तो डैशबोर्ड में आपको पियानो ब्लैक कलर का टच लाजमी नज़र आएगा। और इसके अगर आप फीचर्स की बात करें मोड्स की तो मोड्स में आपको 3 मोड्स दिए गए हैं, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड और कम्फर्ट मोड। और ब्रेक होल्ड का सिस्टम इसके अंदर है और आर्मरेस्ट भी इसके अंदर दिया गया है। बात करें गाड़ी की कंडीशन की तो गाड़ी इस वक्त फुल अप्लाइड फॉर आप इसको कहेंगे तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी इस वक्त फुल मेंट कंडीशन में है। अब इसका मिरर की बात करेंगे तो आपको AutoDimming मिरर भी इसके अंदर आता है। रूफ में देखें तो सनरूफ भी है और साफ कंडीशन है, छत की बिल्कुल कोई हाथ के निशान नहीं लगे हुए, बिल्कुल साफ कंडीशन है गाड़ी की। अब मैं आपको इसके दिखाता हूँ इंजन की तरफ चलते हैं कि इंजन की क्या कंडीशन है। इंजन की बात करें तो गाड़ी आंधी आई हुई थी रात को, तो उसके वजह से देखिए गाड़ी का ना इंजन बिल्कुल ठंडी का अपनी परफेक्ट कंडीशन में है, लेकिन इसको मिट्टी पड़ी हुई है। अगर इसके टर्बो इंजन के साथ ही गाड़ी आती है, और अगर इसकी पावर की बात करें तो इसकी 176 इसकी हॉर्स पावर इसके अंदर आती है और 230 न्यूटन टॉर्क इसके अंदर दिया जाता है। गाड़ी ओवरऑल अगर देखा जाए लुक इसकी तो ऑलमोस्ट अप्लाइड फॉर ही समझी जाएगी। होंडा RS टर्बो के इंटीरियर की और एक्सटीरियर की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आप बात करें गाड़ी टोटल इस वक्त 5,000 किलोमीटर ड्राइव हुई है, और इसकी बात करें इसके अंदर योकोहामा DP के टायर इंस्टॉल किए गए हैं। और इंटीरियर और एक्सटीरियर में देखा जाए एक भी डॉट का निशान ही आया था, ब्रांड न्यू गाड़ी है। और बात करें इसकी प्राइस की तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में आए, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा गाड़ी किस प्राइस ब्रैकेट में आप परचेस कर सकते हैं। और नो चस्का पार्टी इन्वॉल्व है इसके अंदर, जिस जो सीरियस बायर है वो आएँ और गाड़ी मेरे से परचेज करें। और नंबर भी आपको साथ मेंशन कर दूंगा, आप कॉल करके भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेगा। दुआ में अपनी इस बाइक को याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको अपनी मुसलमान बढ़ के अल्लाह हाफिज़।